वेलकम दोस्तों। आज जैसे देखेंगे निफ्टी का ट्रेड कैसे हुआ था, तो आज देखिए कि मार्केट हाई लेवल से नीचे आया था यहाँ तक, तो 18,659 तक लो लगाया था। उसके बाद मैंने ये एक ट्रेंड लाइन यहीं पे डाला, डालने के बाद ये लो लेवल था और यहीं से नीचे जब गया तो 700 का पी का सिग्नल अच्छा सा काम किया यहीं से, तो ठीक है। तो उसके बाद मार्केट में जो नीचे आया था, मैंने कल बोला था कि इस लेवल को टच करेगा, तो इस लेवल को टच करने के बाद आपका टारगेट यहीं से पी का हो गया। ये होने के बाद क्या हुआ, मार्केट दो थोड़ा यहीं पे टाइम बिताया, बिताने के बाद थोड़ा ऊपर गया, जाने के बाद मैंने एक ट्रेंड लाइन यहीं से ऐसा डाला जैसे कि 1, 2, 3 तीन पॉइंट, और ये जैसा लो का ये मैंने यहीं पे लगा के रखा है। तो जब यहीं पे क्रॉस किया ऊपर तो यहीं पे सी का कॉल बनती है, तो 18,700 का सी यहीं से करीबन 12:30 PM के बाद हम यहीं से लिया, लेने के बाद अच्छा खासा प्रॉफिट भी यहीं से हुआ है, ठीक है। तो जैसे कि ये निफ्टी का मैंने देखा, उसके बाद आप देखिए बैंक निफ्टी में ऐसा कैसा होगा। मार्केट जब मॉर्निंग में ओपन हुआ तो ओपन की प्राइस था 43,641 से डायरेक्ट नीचे गया, तो जब नीचे गया तो ट्रेड कैसे होगा। तो पहला 5 मिनट के कैंडल में पहला कैंडल ये लो था, तो कल जो लास्ट लो लगाया था वो 43,500 का लो लगाया था। तो मैंने ये बोला हूँ आपको, ये आपका लो का जो सिग्नल है, ये लो इस लेवल से नीचे जाने के बाद 500 का पी को यहीं से आपको बाय करनी है। तो यहीं से करने के बाद आपका टारगेट कैसे आपको मिलेगा, ये आपका टारगेट, ठीक है। तो टारगेट मैं आपको बोलता हूँ कि आपका टारगेट यहीं तक हो गया, समझ गया। तो ये टारगेट होने के बाद देखिए थोड़ा इधर उधर हुआ, उसके बाद ये ऊपर जाने के लिए रेडी हो गया। तो आपको अगर ये ऊपर जाना, ये तो जोन हो गया, आप तो प्रॉफिट ले चुके हैं, तो उसके बाद सेकेंड प्रॉफिट कहाँ से मिलेगा। जैसे कि एक ट्रेंड लाइन के हिसाब से अब हम देखेंगे सेकेंड टारगेट क्या हो। एक ट्रेंड लाइन लेंगे, यहीं से मार्केट नीचे आया था, ठीक है। आप देखिए ये हो गया आपका सेकेंड पॉइंट, ये सेकेंड पॉइंट और ये थर्ड, देखिए समझ गए। इसी जोन के ऊपर जो पॉइंट में आपको यहीं से हुआ, तो 43,500 का सी यहीं से आप अगर बाय करोगे तो आपको ये होगा आपका पहला टारगेट और ये होगा आपका सेकेंड टारगेट। तो पहला टारगेट में आपको 3:30 हो गया टाइम, तो इसी टाइम पे आपका कम से कम इस 500 से लेके 800 तक 300 पॉइंट आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिला है। तो ये था आज का ट्रेड। तो हम कोशिश करेंगे कल के लिए, तो कैसे मार्केट में ट्रेड करने के लिए क्या आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। तो अगर हम देखेंगे, इसको रिमूव कर देते हैं, फिर नया एनालिसिस शुरू करेंगे। मार्केट में अभी देखिए बैंक निफ्टी का क्लोजिंग प्राइस है 43,766, मार्क ऊपर गया था, 810 तक गया था, 10 या 22 तक गया था और नीचे जाके क्लोज हुआ है कम से कम 50 या 60 पॉइंट के नीचे, ठीक है। तो अगर हम नेक्स्ट कल मॉर्निंग में कैसे ट्रेड करेंगे, उसी हिसाब से अगर हमको देखेंगे तो फिबोनाची के रूल के हिसाब से हम ये लो लगाया था, ये हाई गया था, ठीक है। ये दोनों हम डाल देंगे, पहले डालने के बाद आप क्या करेंगे, आप देखो ओरिजिनल लाइन लेके ये हाई गया था, एक लाइन मैंने डाल दिया और ये लो गया था, ठीक है। ये दो हो गया, होने के बाद आपको क्या मिलेगा बीच में परसेंटेज, कौन सा परसेंटेज। अब देखिए 38% में एक परसेंटेज आएगा और एक क्या आएगा यहीं पे, एक परसेंटेज आएगा, ठीक है। तो मॉर्निंग में आपको ट्रेड अगर करना है तो कौन सा प्राइस में लेकर ट्रेड करोगे मैं आपको यहीं पे बता दूंगा, ठीक है। अभी रिमूव कर दिया, ये देखिए
मार्केट कल क्या करेगा। ऐसा लेंगे मॉर्निंग में मार्केट इस एरिया से, देखिए आप क्या लेंगे 43 800 का सी और पी इस एरिया से। देखिए पी अगर इस लेवल से नीचे आया तो यहाँ तक आएगा, आने के बाद रिट्रेसमेंट जा सकता है, ठीक है। अगर इसके नीचे आती है तो इसका साइडवाइज होगा, ठीक है। अगर इसके नीचे आ रही है तो मार्केट यहीं से फिर रिटर्न जा सकती है, ये तीनों लाइन हो सकती है। अगर इसके ऊपर डायरेक्टली ऐसी गैप अप नहीं होगा, यहीं से देखिए मार्केट नीचे कितना गिरा है, मार्केट आप डायरेक्ट सी के लिए मत जाइए, ठीक है। यहीं से आप बाय मत करना, ठीक है। यहीं से आपका 43 800 का पी आप लेना, ठीक है। यहीं तक आएगा, थोड़ा इसके बाद ऐसा ऐसा करेगा, करने के बाद मार्केट ऊपर जा सकता है और नीचे भी आ सकती है। अगर इसके अंदर आ गया तो मार्केट ऐसे की तरह होगा ये, और उसके बाद वो नीचे भी गिर सकती है, ठीक है। तो अगर आप लेंगे इस एरिया के ऊपर, ऐसा ऐसा नहीं हो सकता है, समझ गए, नहीं हो सकता है। मार्केट एक साथ ऐसा ही नहीं करेगा, मार्केट इधर इधर होके ऐसा कर सकता है, ठीक है। तो अगर ये आपको लेना है तो 43 800 का सी और पी, ठीक है। इसके ऊपर आप ट्राई करना कि मार्केट यहीं से बाय करना तो ठीक होगा, इस लेवल से 43 683, तो आप 43 600 का सी भी ले सकती हो, और मार्केट थोड़ा इधर आएगा, आने के बाद ही ऐसी हो सकती है। यह हो गया आपका बैंक निफ्टी का, जैसे मैंने दिखाया। और निफ्टी का अगर देखें हम तो ऐसा ही आज का ट्रेड ऐसा हुआ था, देखिए मार्केट डायरेक्टली फॉल हुआ था, फॉल होने के बाद उसका लो टूटा, टूटने के बाद 700 का पी यहीं से बाय करो, और उसका टारगेट भी देखो, मैंने कल ये भी टारगेट दिया था इसी लेवल के पास, ये टारगेट भी हो गया, होने के बाद थोड़ा बहुत ऊपर हुआ और उसके बाद ऊपर गया, जाने के बाद हम ऐसे किया कि इसी लेवल से कैसे बाय होगा, तो बाय के लिए एक ट्रेंड लाइन मैंने खींचा यहीं से और यहीं पे ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद क्या हुआ, मार्केट सीधा ऊपर गया, इतना तक गया, तो ये आपका पहला टारगेट हो सकता है, क्योंकि यहीं पे मार्केट यहीं से नीचे आया था, थोड़ा यहीं पे स्टॉप लॉस होगा सेलर का, इसीलिए इसको तोड़ने के लिए ऊपर गया, ठीक है। अभी देखिए मैं मार्केट में कोई बंदा यहीं पे अगर बाय किया होगा तो उसका स्टॉप लॉस कहाँ पर होगा, इसी लेवल के नीचे हो सकती है, पहले तो स्टॉप लॉस के लेवल ये हो सकती है, ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है, लेकिन पहला स्टॉप लॉस तो इधर ही होगा ना, तो 18,750 के पास इसका स्टॉप लॉस हो सकती है। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कल के लिए, अगर हम ऐसे करेंगे कि कल कौन सा बाय करेंगे, तो इसी हिसाब से अगर फिबोनाची का रूल के हिसाब से हम जाएंगे तो रिट्रेसमेंट यहीं से हुआ था और इतना तक हुआ था, ठीक है। तो यहीं पे हम क्या करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन डालेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन यहीं पे एक डालेंगे, इसका हाई है, उसका लो है, लो में भी एक डालेंगे, और उसका 38% में जो आएगा रिट्रेसमेंट वहीं पे एक डालेंगे, ये डाल दिया, और मैंने नीचे का लोअर लेवल पे एक डाल दिया, ठीक है। ये डालने के बाद क्या करेंगे, हम इसको हटा देंगे, ये हटा दिया, हटाने के बाद हम क्या करेंगे, अभी हम ये वाला देखिए 18,771 ये हो गया एक आपका सपोर्ट, ये हो गया रेजिस्टेंस, ठीक है, ये हो गया एक सपोर्ट, ये हो गया आपका रेजिस्टेंस, ठीक है।
तो मार्केट अगर ऐसा करता है जी, ये लोअर का हो 5 मिनट का कैंडल देखिए, ये 5 मिनट कैंडल में ऐसा आएगा और इसके बाद ऐसा अगर जाएगा तो यहीं से आप सी बाय करना, सी सी यहीं से होगा ठीक है। और ये होगा आपका जोन ठीक है, ये जोन के अगर इसके नीचे आती है तो आपने पी बाय करेंगे, पी यहीं से होगा, पी पी कौन सा वाला होगा, 750 का, 18,700 का पी यहीं पे होगा, और 18,700 का सी, ये दोनों होगा आपका कॉल के लिए ट्रेडिंग का दो लेवल, ये लेवल से आप सी बाय करना और इसी लेवल से यहीं से सी यहीं से पी ठीक है। और कुछ सीखना है तो कमेंट कीजिए, तो मैं आपको नेक्स्ट अच्छी तरह एक ग्राफ के साथ समझा दूंगा ठीक है।